Hello friends, today we will discuss how to prepare for CSIR NET exam for physics. हमारे पास जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें 200 नंबर का पेपर हमें अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का. इसमें हमारे पास तीन सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए मेरा 2 मार्क्स का होता है, बी मेरा 3.5 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, इसमें भी हर एक क्वेश्चन, ठीक है. एंड सी सेक्शन में 5 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन. इसमें मेरे पास 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन. इसमें आते हैं 25 क्वेश्चन एंड इसमें आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है. हमें इन 20 में से 15 क्वेश्चन, कोई भी 15 क्वेश्चन जो हमें आते हों वो अटैम्प्ट करने होते हैं. 5 क्वेश्चन हमें नहीं करने होते. अगर आप लोगों ने 16, 17 या 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे आपके OMR शीट में ओनली वही काउंट होंगे, बाकी के क्वेश्चंस मेरे काउंट नहीं होंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं बी सेक्शन की. बी सेक्शन में मेरे 25 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है, बट हमें इसमें से ओनली 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. 5 क्वेश्चन की यहाँ भी मेरे पास च्वाइस होती है, उनको हम बिना किसी लॉस के छोड़ सकते हैं, ठीक है. अब सी सेक्शन में मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं. इनमें से मुझे कोई भी 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. देखो यहाँ 10 क्वेश्चन की च्वाइस है. अगर आप लोगों ने कंप्लीट 28-29 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है क्योंकि किसी को इतने आते नहीं हैं, ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के फर्स्ट जो 20 होंगे ओनली वही चेक होंगे, बाकी के आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा. तो देखो इसमें से ये 20 क्वेश्चन है, मेरा हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल कितने मार्क्स का हो, ये सेक्शन 40 का 25 क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन मेरा कितने मार्क्स का हुआ, 3.5 का हुआ, तो टोटल कितने मार्क्स का हुआ ये सेक्शन 87.5 का. अब उसके बाद यहाँ है 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का है, तो ये सेक्शन हुआ मेरा 150 का. टोटल हुआ आपका क्वेश्चन पेपर 277.5 मार्क्स का, और आपको इनमें से ओनली 200 नंबर का अटैम्प्ट करना होता है. इस 200 में से आपको ये लगा लो आप कि 90 प्लस स्कोर करना है, ओनली 90 प्लस. अगर आप लोगों जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन की है और आपको अच्छे से आता है, आपको ये लगता है कि आपका ना 80 मार्क्स का जो आपने अटैम्प्ट किया ये बिल्कुल सही है, तो फ्रेंड्स कभी भी अपना तुक्का मत लगाना उसके अंदर, उसको वहीं की वहीं छोड़ देना, क्योंकि कट ऑफ फिजिकल साइंस की 70 प्लस इतनी ही रहती है. आज तक बस एक ही एग्ज़ाम गया था, 2015 का था वो, शायद दिसंबर का, उसमें मेरी कट ऑफ 95 गई थी LS के लिए और 105 गई थी JRF के लिए. अदरवाइज़ इससे ज़्यादा 70 प्लस से ज़्यादा कभी नहीं गई, हमेशा LS के लिए, हमेशा LS के लिए 70, 72, 75 एंड मैक्स टू मैक्स 80 पास, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाती है, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अभी भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, थोड़े से दिन रह गए. अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन है जो आपका ए पार्ट है, ये 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 हमें अटेम्प्ट करने हैं. इस सेक्शन का नाम है जनरल एप्टीट्यूड. इसमें आपका SSC के जैसा सिलेबस आता है. इसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक जो SSC के लिए होती है वो फॉलो कर सकते हैं. इस सेक्शन के प्लस पॉइंट क्या है कि जिन बच्चों का फिजिक्स थोड़ा सा वीक है वो इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करके अपने मार्क्स को सेव कर सकते हैं. अब कई बार क्या होता है कि अगर हम इसको बिल्कुल ही छोड़ दें, हमें इसका कुछ नहीं आता, तो जिस बच्चे का नेट निकलना होता है उसका नेट भी नहीं निकलता और जिसका JRF निकलना होता है उसका नेट निकल के रह जाता है. तो ये सेक्शन क्या है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं हम ये सोचते हैं ये तो बस 30 नंबर का आएगा,
इसमें से इतना सारा है मेरे पास तो मैं तो हर जगह स्कोर कर लूँगा, नहीं नहीं हर एक सेक्शन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसी तरह ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना, और कुछ नहीं अगर आप प्रिपेयर भी नहीं करोगे ना तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जाते ही अगर फ्रेश माइंड से आप ए सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे तो 10 क्वेश्चन आपके आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास सब्जेक्ट लिस्ट देखते हैं हम। हमारे पास जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें होता है क्वांटम, क्लासिकल, ईएमटी, मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो टोटल ये आपके पास एप्टी को मिला के टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इनमें से अब देखो ये जो आपके चार सब्जेक्ट हैं ना टॉप 4, क्वांटम, क्लासिकल, ईएमटी एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वेटेज आप लगा लो कि हर बार एग्जाम में 140 अराउंड रहता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। 277 में से अप्रोक्सीमेट 140-130 इतना आराम से इसका वेटेज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर है, एटॉमिक है, ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस ऐसे हैं, और एक सॉलिड, ये तीनों सब्जेक्ट हमेशा 5-5 नंबर में ही आते हैं। न्यूक्लियर में हमेशा एग्ज़ाम में जब भी आप दो बैठोगे आपको 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, और वो भी ओनली 5 मार्क्स के। इसी तरह एटॉमिक में 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं 5 मार्क्स के, और इसी तरह सॉलिड में 3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं 5 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो ये भी 15 मार्क्स का आराम से, ये भी 10-15 का, और ये भी 15 नंबर का आराम से। अब ये जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनमें बी सेक्शन जो कि मेरा 3.5 मार्क्स का है और सी सेक्शन जो कि मेरा 5 नंबर का है, इसमें ये 6 के 6 पेपर दोनों पार्ट्स में मेरे डिवाइड होके आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, पहले क्या था 2014 से पहले मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कम जो CSIR इलेक्ट्रॉनिक्स को लगभग इग्नोर ही करता था, जो और वेटेज होती थी ना जैसे एटॉमिक की है 10 नंबर की, इतनी ही वेटेज मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। बट आजकल के जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स की वेटेज अकेले की लगभग 30 अराउंड रहती है, इससे कम कभी नहीं रहती। उसके बाद थर्मोस्टेट, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसका जो सिलेबस है ना वो क्वांटम का तो आप ये लगा लो कि हाफ सिलेबस के इक्वल है, 1.5 ओनली थर्मोस्टेट। और इसकी वेटेज देखो आप क्वांटम के ही इक्वल मिलेगी जब भी आप पेपर चेक करोगे, इसकी वेटेज भी लगभग 35-40 अराउंड आराम से मिल जाती है हमेशा पेपर में, और इसके अंदर भी बी सेक्शन और सी सेक्शन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस बुक को फॉलो करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, आप जितना खुद से पढ़ोगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्वांटम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरी नज़र में इसके लिए 3 बुक्स बहुत अच्छी हैं। एक तो है जेटली, घबराने वाली बात नहीं है, बस क्वांटम के लिए मैं 3 बुक्स बताऊंगी, बाकी सबके लिए एक एक ही चलेगी, जेटली, ग्रिफिथ एंड अरुणदास। ये 500 सोल्ड प्रॉब्लम है अरुणदास की बुक की, काफ़ी अच्छी है, आप इन दोनों को पढ़ने के बाद इसमें से आराम से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लासिकल के लिए मैं प्रेफर करूँगी JC उपाध्याय। EMT के लिए मैं कहूँगी ग्रिफिथ इज़ द बेस्ट। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए अगर हो सकता है आप लोगों को कोई और भी अच्छी बुक मिल जाए, लेकिन मेरी नज़र में HK दास ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है और लगभग अपने आप में सारा सिलेबस कवर अप करके चलती है। कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे कि 4 ईयर है वो इसमें ग्राफिकल टाइप से नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप लोग वो नेट से ईजिली स्टडी कर सकते हो। और अगर मुझसे हो सका तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स की एक वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अब उसके बाद न्यूक्लियर के बारे में मैं प्रेफर करूँगी DC Tyer। एटॉमिक के लिए राजकुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, मिलमैन और भी कुछ हैं,
मिलमैन में बट न्यूमेरिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर वहाँ से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो ये बेस्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी बुक मैं अच्छे से प्रिफर नहीं कर सकती, बट हाँ आप मिलमैन को फॉलो कर सकते हैं। सॉलिड सॉलिड के लिए किटर और थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैट के लिए थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैट के लिए भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो कर लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। ये अपने आप में दो बुक्स को कंबाइन करके चलता है, एक तो होता है मेरा थर्मोडायनामिक्स, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की स्टडी करनी पड़ेगी। अपने आप में दो दिन बुक्स ये स्टडी करनी पड़ेंगी और ऐसे ही स्टैट, लेकिन इनमें से आता हमेशा ही सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर आप फॉलो करोगे तो आपके इजीली कवर अप हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है ना, हो सकता है कि आपको पढ़ने में टिपिकल लगे, बट ये इससे ईजी सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, ये सबसे ईजी सब्जेक्ट है और सब इतना अच्छा स्कोर करेगा ना, बहुत अच्छा। इसमें से कुछ एक टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगी क्लासिकल के बारे में। वैसे तो क्लासिकल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रही होगी लंबी सी लिस्ट, इसमें लैग्रेंजियन है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टॉपिक लगभग नेट में आ ही जाता है 3.5 में या 5 मार्क्स में लगभग आ जाता है। कन्वर्जन है हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजीली आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। जैसे अपने फिजिक्स के लिए क्या होते हैं गेट, नेट, जेस्ट, बार्क, टिफर, तो कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये स्मॉल ओसिलेशन आ जाता है ये नेट में 5 नंबर में। रिजिड बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी 5 नंबर की नज़र से अच्छा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे सेंट्रल फोर्स STR और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सेंट्रल फोर्स 5 नंबर में आराम से आएगा, STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जब STR आप लोगों से नेट के एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ ही जाता है एक दो बार छोड़ के आराम से नेट में रिपीट हो जाता है। न्यूटोनियन क्लासिकल का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सब लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है, लेकिन ये सबसे लेंथी पार्ट भी यही है। मैंने तो इसको नहीं किया लेकिन मेरे भाई ने किया था, मेरे भाई के 130 प्लस मार्क्स बन गए इस बार। बट ये ज़्यादा इसमें 5 नंबर का आराम से एक क्वेश्चन मिलता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता मेरी नज़र में। आप इतना टाइम न्यूटोनियन को पढ़ने में वेस्ट करोगे, इतने में आप पूरी क्लासिकल को ईजिली कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग ट्वेल्थ और BSc ग्रेजुएशन लेवल में हमेशा से पढ़ते आए हैं। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड एटसेट्रा, कुछ GM एटसेट्रा इफेक्ट्स वो इंक्लूड होते हैं। ये टॉपिक मेरा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये गेट में मिल जाता है क्या था, हमेशा ही आता है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऑपरेटर्स में जैसे कम्यूटेशन ये सब आते हैं, ये भी गेट में और पार्क में जिन सब्जेक्ट में जिन एग्ज़ाम से मतलब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उनमें तो हमेशा आता है, बट कभी कभी नेट में भी देखने को मिला है बहुत पहले के क्वेश्चन पेपर्स में। उसके बाद वेव फंक्शन तो फ्रेंड्स मेरे क्वांटम का ही बेसिक है, इसके बिना आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ओसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, आइडेंटिकल पार्टिकल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग 5-5 नंबर के हैं, बट इनमें से ये एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ये 3.5 में भी देखने को मिलता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबके सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एंगुलर मोमेंटम और स्पिन में सारे के सारे सेम फॉर्मूलाज हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है, 5 नंबर में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये मेरे 4 टॉपिक हैं, स्कैटरिंग, पर्टर्बेशन, WKB एंड वेरिएशनल मैथड।
इनमें से 10 नंबर का हमेशा आएगा ही आएगा क्वांटम में। इन चार टॉपिक्स में से दो क्वेश्चन हमेशा 5-5 नंबर के आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक तो मेरा वेक्टर। वेक्टर बहुत साल पहले आता था लेकिन अब नहीं आता। अब मैं बात करूँगी मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्पेशल फंक्शन भी मेरे इंक्लूड होंगे, जिनमें लैग्रेंजियन, हर्माइट, बेसल, ये सब फंक्शंस आते हैं। ये 5 नंबर में आता है ये टॉपिक मेरा। मैट्रिक्स 3.5 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है, 4 ईयर। अब फ्रेंड्स मैंने एमपी के लिए आप लोगों को एच के दास बताई थी। 4 ईयर एक ऐसा टॉपिक है जो एच के दास में ग्रेजुएशन लेवल का है, हमारे नेट लेवल का नहीं है। तो नेट लेवल का 4 ईयर करने के लिए आप लोगों को कहीं और से प्रेफरेंस लेनी पड़ेगी। लैपलेस और कम्प्लेक्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। 4 ईयर और लैपलेस में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा और में, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि पेपर में एमपी का सेक्शन बहुत ईजी आया और ये दोनों ही मिल जाते हैं, बट इनमें से एक 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। कम्प्लेक्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे एमपी का। एच के दास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है और ये 5 नंबर में आएगा ही आएगा। कभी कभी ये ओनली टॉपिक कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स में से मेरे 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूँगी फ्रेंड्स ईएमटी के बारे में। ईएमटी में मेरे 3 मेजर स्टेट्स में मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टेट में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटो में से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी यूज होता है और इसमें से बहुत बार लगभग 20 नंबर का पेपर देखने को मिला है। और इनमें से 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन 5-5 में देखने को मिलता है, 3.5 में भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगी फ्रेंड्स न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर में पार्टिकल फिजिक्स, शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। पार्टिकल फिजिक्स में से हमेशा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन लिक्विड ड्रॉप या शेल मॉडल या लिक्विड ड्रॉप में से आएगा ही आएगा। तो इसमें से अगर आपको 10 नंबर भी लेने हैं तो ये वाला टॉपिक कर लीजिए और इनमें से एक कर लीजिए। ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी न्यूक्लियर के अंदर ये वाला सेक्शन पड़ता है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी है, इसमें से भी देखने को मिल जाता है मेरा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा ही आता है। अटोमिक में फ्रेंड्स सबसे पहले बेसिक्स में मेरे मॉडल्स आते हैं, ये बोर, जीपी थॉमसन, ये सब। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे ग्राउंड स्टेट निकालना, एक्साइटेड स्टेट निकालना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में से या LS कपलिंग, JJ कपलिंग, पाशन बैक इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इनमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल ही मिल जाता है 100%। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे एटॉमिक के अंदर आते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में मेरा रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, रिजिड रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब इंक्लूड होते हैं। इनमें से टोटल ये जो स्पेक्ट्रा है, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, इन चारों पांचों स्पेक्ट्रा को इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है, ये मेरी 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल तक की आती है। और उसके बाद स्टैट के अंदर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरा पार्टीशन फंक्शन, आज तक हमेशा आया ही आया है। उसके बाद है फ्रेंड्स इसके अंदर सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स और एंसेंबल्स। एंसेंबल्स के मेरे डिफरेंट टाइप्स, जैसे माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल, बोल आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लैक बॉडी, ये दो, इन दोनों की आप लोग ओनली फॉर्मूलाज देख लीजिए, बिकॉज इसमें ओनली प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर डिपेंडेंट ही मेरा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 3.5 में इजीली। थर्मोडायनेमिक्स में पहले भी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है मेरी कंप्लीट फिजिक्स का। उसके बाद है फ्रेंड्स सॉलिड। सॉलिड का भी सेम इसी तरह से कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि मेरे बार 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 रिपीट होते रहते हैं। एक टॉपिक है इसके अंदर मास, अफेक्टिव मास, मास अफेक्टिव मास, और एक है सुपर कंडक्टिविटी।
ये मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, हमेशा आ ही जाते हैं ये लगभग 5-5 नंबर में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये औरों के भी काम आए। थैंक यू फ्रेंड्स।